पटना ग्रामीण एएसपी लिपि सिंह द्वारा मरांची के गंगा घाटों पर अवैध खनन की शिकायत मिलने के बाद छापेमारी की गई। राजेंद्र पुल से महज 500 से 600 मीटर की दूरी पर ही अवैध खनन का खेल चल रहा था। पर्यावरणीय नियमों का भी उल्लंघन किए जाने की शिकायत मिली थी। एएसपी द्वारा मरांची के गंगा घाट पर छापेमारी के दौरान खनन कार्य में लगे मजदूरों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। उनके बयान के आधार पर खनन माफियाओं के खिलाफ चिन्हित कर कार्रवाई की गई है और माफियाओं की पहचान कर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। गरीब मजदूरों को छोड़ने का आदेश दिया गया है। एएसपी की कार्रवाई के दौरान एक पोकलेन और 4 ट्रैक्टर को जब्त किया गया है। खनन कार्य में मरांची, हाथीदा और दरियापुर के खनन माफियाओं की भूमिका उजागर हुई है। लाइव नाउ न्यूज के लिए पटना से रंजीत कुमार की रिपोर्ट। क्या कार्रवाई हुई है यहाँ मराची गांव में, जहाँ पे काम चल रहा है 6 लेन का? तो बहुत ही नदी के करीब से देखने से प्रथम दृष्टया वॉयलेशन ही लग रहा है कि यहाँ माइनिंग मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए, और बहुत नदी के बगल में करीब 15 फीट के आसपास भी कहीं कहीं कटा हुआ पड़ा है, तो इसीलिए यहाँ से एक पोकलेन जब्त किया गया है। करीब 5 या 6 ट्रैक्टर हैं और कुछ चालकों को अभी पूछताछ करने में पता चला है कि यहाँ पर 5 लोग हैं जो मेन यहाँ पे कटवाते हैं। प्रमुख उसमें से बैजल पासवान है, एक कोई संजय पासवान है, प्रद्युम्न सिंह, कन्हैया सिंह और रघु सिंह करके हैं।